उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें 3 गोलियां मारी हैं। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। हमलावरों की पहचान जानने के लिए एसटीएफ को लगाया गया है और इस घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। वही इस मौके पर एसएसपी मंजुनाथ, टीसी सहित कई अधिकारी भी पहुंच गए हैं और बड़ी ही संख्या में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द हमलावर पुलिस की गिरफ्तार में होंगे। नानकमत्ता से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। हम लोगों के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले, लगभग 6:30-6:30 बजे के बीच में नानकमत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे, बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियाँ चलाईं और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। नानकमत्ता गुरुद्वारा हमारे प्रदेश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और वहाँ पर घुसकर जिस तरह से ये हत्या की गई है, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। घटना की सूचना मिलते ही वहाँ पे तुरंत वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पे पहुँच गए हैं। एसएसपी ऑलरेडी मौके पे पहुँच चुके हैं और जो डीआईजी कुमाऊँ हैं वो भी मौके पे पहुँच रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, स्थानीय जनता से बातचीत करेंगे और जो वहाँ की जो भी प्रतिक्रिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सुबह 6:15 और 6:30 के बीच में, तो अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पर कोई भी नहीं था, जो बाबा जी अपना नित्य कर्म करते हुए यहाँ पे एक कुर्सी में बैठे थे डेरे के अंदर, तो डेरे की बिल्कुल मेन गेट के सामने ही बैठे थे। तो बाबा जी अपना फ़ोन पे कुछ काम कर रहे थे, तो एक बाइक में 2 लोग आते हैं, दोनों पगदारी लोग हैं, बेसिकली पग पहने हुए 2 लोग आते हैं और बाइक में ठीक ठाक स्पीड, मतलब मीडियम स्पीड में आते हैं और दूर से ही एक लॉन्ग वेपन से एक गनशॉट मारते हैं। तो तब बाबा जी उठ के थोड़ा सा आगे इधर देखते हैं, तब तक वो फिर से मुड़ के एक और गनशॉट मारते हैं। कुल मिला के 3 सेकंड के अंदर, मात्र 3 सेकंड के अंदर 2 गनशॉट मार के ये ठंडे कुएं वाला रास्ते से चले जाते हैं। दोनों का क्लियर फोटोज आ रहे हैं, क्लियर वीडियोस आ रहे हैं। दोनों सिख है, दोनों जो है आइडेंटिफाइड है, मतलब हुलिया वुलिया सब कुछ आइडेंटिफाइड है। तो ये कुल मिला के घटना है। तुरंत बाबा जी की डेरा से सभी लोग आके, मतलब एक लोग तो दूसरे आके पत्थर मारने का भी कोशिश किया, तब तक वो चले गए और चारों लोगों ने इकट्ठा करके गाड़ी में लेके सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी देर के इलाज के बाद जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जब खटीमा ले गए थे वहाँ पर काफ़ी CPR दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद उन्होंने डेथ घोषित कर दिया है। अभी जो है हमारी सारी टीम्स हमारे यहाँ पर पुलिस में आ गई हैं, मोर देन 8 टीम्स हमारे पास हैं। जिले की सारे जो क्राइम में जो लीड लेने वाले SHOs है, क्राइम में एक्टिव SHOs को हमने यहाँ मोबिलाइज कर लिया है।